सीरियल कसम तेरे प्यार की में ऋषि और तनुजा की लव स्टोरी लेती है एक न्यू टर्न वैलेंटाइन डे के दिन और ऋषि कराता है तनुजा का स्वयंवर। सीरियल कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शो में आ रहे हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न। ये तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही तनुजा को अपनी कुंडली के दोष के बारे में पता चलता है, उसने ऋषि से अलग होने का फैसला कर लिया है और वो दोनों वैलेंटाइन डे के दिन पहुँचते हैं कोर्ट अपने डिवोर्स को फाइल करने के लिए। लेकिन ऋषि इस डिवोर्स के लिए एक शर्त पर माना है। उसने रानो से कहा है कि वो डिवोर्स के बाद दूसरी शादी तभी करेगा जब तनुजा किसी और से शादी कर लेगी। इसीलिए ऋषि अपने घर पर टेंडर जीतने के बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उसमें सभी बड़े बिजनेसमैन को बुलाता है। इस पार्टी के लिए ऋषि अपने हाथों से तनुजा को तैयार करता है। तनुजा अपनी मांग में सिंदूर भरने लगती है लेकिन ऋषि उसे रोक देता है और कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तनुजा उसे बोलती है कि उसका मन है तो वो सिंदूर जरूर लगाएगी, लेकिन ऋषि उसे सिंदूर नहीं लगाने देता बल्कि उसे मंगलसूत्र पहना देता है। ऋषि तनुजा को पूरी तरह से सजा के खुद ही नीचे पार्टी में लेकर आता है। ऋषि तनुजा की खूबसूरती देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो अब तनुजा का यहाँ स्वयंवर कराना चाहता है और वो चाहता है कि तनुजा इनमें से किसी भी एक को पसंद कर ले और वो उससे शादी कर ले। अब क्या तनुजा किसी को चूज करेगी और क्या ऋषि अपने हाथों से उस इंसान को तनुजा को सौंप पाएगा? वेल, शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सीरियल कसम तेरे प्यार की में ऋषि और तनुजा की लव स्टोरी लेती है एक न्यू टर्न वैलेंटाइन डे के दिन और ऋषि कराता है तनुजा का स्वयंवर। सीरियल कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शो में आ रहे हैं बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न। ये तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही तनुजा को अपनी कुंडली के दोष के बारे में पता चलता है, उसने ऋषि से अलग होने का फैसला कर लिया है और वो दोनों वैलेंटाइन डे के दिन पहुँचते हैं कोर्ट अपने डिवोर्स को फाइल करने के लिए। लेकिन ऋषि इस डिवोर्स के लिए एक शर्त पर माना है। उसने रानो से कहा है कि वो डिवोर्स के बाद दूसरी शादी तभी करेगा जब तनुजा किसी और से शादी कर लेगी। इसीलिए ऋषि अपने घर पर टेंडर जीतने के बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उसमें सभी बड़े बिजनेसमैन को बुलाता है। इस पार्टी के लिए ऋषि अपने हाथों से तनुजा को तैयार करता है। तनुजा अपनी मांग में सिंदूर भरने लगती है लेकिन ऋषि उसे रोक देता है और कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तनुजा उसे बोलती है कि उसका मन है तो वो सिंदूर जरूर लगाएगी, लेकिन ऋषि उसे सिंदूर नहीं लगाने देता बल्कि उसे मंगलसूत्र पहना देता है। ऋषि तनुजा को पूरी तरह से सजा के खुद ही नीचे पार्टी में लेकर आता है। ऋषि तनुजा की खूबसूरती देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो अब तनुजा का यहाँ स्वयंवर कराना चाहता है और वो चाहता है कि तनुजा इनमें से किसी भी एक को पसंद कर ले और वो उससे शादी कर ले। अब क्या तनुजा किसी को चूज करेगी और क्या ऋषि अपने हाथों से उस इंसान को तनुजा को सौंप पाएगा? वेल, शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज